ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तुम यहाँ पर क्यों आई? उठो यहाँ से, चलो उठो यहाँ से। घबराओ मत, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फेरे भी हो गए, सिंदूरदान भी हो गया, और सबको यही लगता है कि तुम थकान की वजह से गिर गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो मेरा मकसद था, जलाल को पाना। चुप, बस, अब एक शब्द और नहीं, चली जाओ यहाँ से। हमें लगा कि सही में तुम्हें पश्चाताप है, इसलिए हमने तुम्हें क्षमा किया, अपने सालगिरह में आमंत्रित किया, और तुम ये सब नाटक कर रही हो? हमारे साथ फेरे लिए, सिंदूर लगाया, क्या है ये सब? बस आराम से जोधा बेगम, आराम से। अगर इतनी परेशान होगी ना तो दिमाग भी साथ नहीं देगा तेरा। और हाँ, अपनी कुछ सांसें बचा के रख, वो क्या है ना, हमारे पति देव आते ही होंगे। तुम्हारे पति? हमारे पति हैं वो। हे, लेकिन अब हम दोनों के पति हैं, भूल गए? हमने साथ फेरे लिए थे, सिंदूर भी भरा गया है मांग में, अब वो हम दोनों के पति हैं। ये तो साहस, हम शांत जोधा बेगम, ये राज किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि जलाल की शादी तुम्हारे साथ साथ मुझसे भी हुई है। आदाब हुजूर। जोधा बेगम ठीक तो हैं? घबराने वाली कोई बात नहीं हुजूर, बस थकावट और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। हमने सुना सुबह से उन्होंने रोजा रखा था फेरों के लिए, इसीलिए कमजोरी आ गई। हमने उन्हें दवा दे दी है। क्या उनसे जाकर मिल सकते हैं? बेशक हुजूर, मगर वो अभी सो रही हैं। उन्हें आराम की बहुत जरूरत है। ठीक है, उनसे मिल लेंगे। उन्हें उठाएंगे नहीं, बस उन्हें एक बार देखना चाहते हैं। तुमने मुझे मार कर मेरे शरीर को मुक्त कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हुई है। और उस दिन जब तुम मुझसे मिली थी तो तुमने एक आत्मा को अपने विवाह में आने का निमंत्रण दिया था, उसे अपनी जिंदगी में बुला लिया। और अब तुम्हारा काम खत्म। कब आना है, कब जाना है, जाना है भी या नहीं, ये सब मैं तय करूंगी, और तुम कुछ नहीं कर सकती। उस दिन मैंने तुम्हारे शरीर को पा लिया था। और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे मैं इन मामलों में बहुत न्यायप्रिय हूं। पति हम दोनों के हैं, तो अधिकार भी बराबर के होने चाहिए ना। जलाल के दिन तुम्हारे और रातें मेरी, उनका प्यार मेरा और दुश्वारियां तुम्हारी, उनका शरीर मेरा और उल्हाने तुम्हारे। दिन भर तुम मेहनत करती रहोगी और रात के आराम और मजे मेरे।
परंतु एक समस्या है, तुम्हारे पास शरीर है और मेरे पास नहीं। एक काम कर लेते हैं, तुम्हारे इस शरीर को बांट देते हैं। दिन में तुम्हारे पास रहेगा और रात को तुम्हारा शरीर मेरा होगा। वैसे भी मुझे इस शरीर की जरूरत रात को ही होगी ना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? एक बात और, वो क्या है ना, क्योंकि हमारी शादी आज ही हुई है ना, तो ये बंटवारा भी आज से ही शुरू होगा। आज रात से, अभी से। जोधा बेगम, आप ठीक तो है ना जोधा बेगम? हाँ, हमने अभी आपके हुजूर से आवाज सुनी, बात करनी कि किससे बात कर रही थी आप? वो तो हम अपने आप से बात कर रहे थे, सोच रहे थे कि आज रात को हम आपको रिझाएंगे कैसे। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? तरस गए थे आपके साथ के लिए। जोधा बेगम, हकीमा साहिबा ने कहा है कि इस वक्त आपको आराम की सख्त से सख्त जरूरत है, तो हम चाहेंगे कि आप आराम करें। आज तो हमारी सुहाग रात है, हमें आराम की थोड़ी ना, आपके साथ की जरूरत है। और कैसी बात कर रहे हैं, आज के दिन भी कोई सोता है भला? खैर, हम ना आपके लिए बहुत खूबसूरत तोहफा लेकर आए। अच्छा, और ये देखना चाहेंगे कि इस बार कौन सा शानदार तोहफा देंगी आप हमें। सुनो। जी हुजूर। हमारे हुजूर में जो थाल रखी है उसे हमारे पास लेकर आओ। जी हुजूर। और हमारा तोहफा कहाँ है जोधा बेगम? तोहफा? हर बार आप कुछ खास देती हैं, इस बार देखना चाहेंगे कि ऐसा क्या खास है। तो बताएं कहाँ है हमारा तोहफा? इतनी भी जल्दी क्या है, पहले आप अपना तोहफा तो दिखा दीजिए हमें। लो, तख लिया, ये है आपका तोहफा। बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी एक खास बात और है चौथा बेग। वो क्या? जरा आइए हमारे साथ आइए। जरा यहां देखिए चौथा बेग, कुछ याद आया आपको? याद? हमें तो सब याद है,
पर अच्छी बात यह है कि आप कुछ नहीं बोले। कैसे भूल सकते हैं, उस वक्त हमें ऐसा लगा जैसे खुद चांद का अक्स हमारी आंखों के सामने हो। गणगौर का वो दिन, नामेर की वो बावड़ी, हम कुछ भी नहीं भूले। और उस रात भी आपने ठीक इसी तरह की ऐसी ही ओढ़नी पहनी थी, जैसे मानो आसमान के सारे सितारे आपके आंचल में आ गए। उस दिन आपका चेहरा बिल्कुल चांद के नूर की तरह चमक रहा था जो था। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी कविताएं बोलने लग गए। सब आपकी मोहब्बत का असर है, आपकी मोहब्बत में हम शायर भी बन जाते हैं। अब बताइए हमारा तोहफा। आज हम आपको ऐसा तोहफा देंगे इस जिंदगी में आपने कभी नहीं देखा होगा। कमाल, हमने अपने हाथ से पहले कभी आपका ऐसा मिजाज नहीं देखा है जोधा बेगम। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। अल्लाह किसी की नजर ना लगा, निकाह के वक्त मल्लिका हिंद कितनी खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। इस उम्र में भी उनकी खूबसूरती कितनी बरकरार है ना? ऐसे क्या घूर रहे हैं आप? कयास लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जब आप हमारी दुल्हन बनेंगी तो कैसी दिखेंगी। दुल्हन के चटकीले लिबास में जब आपका ये चेहरा शर्म और हया से झुकेगा, माशाल्लाह, सच कहें तो वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे खुश नसीब दिन होगा। क्या बात है अनारकली, आप परेशान से क्यों लग रही हैं? हम मान भाई के बारे में सोच रहे हैं, वो हमारे दोस्त हैं, उनका दिल टूटेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ हो। अनारकली, ये तकलीफ उनके लिए नियामत होगी। जिसे उनसे मोहब्बत नहीं है उससे अगर उन्होंने शादी कर भी लेना, उसके बाद उन्हें तकलीफ होगी वो कहीं ज्यादा होगी। हमारी पहली मोहब्बत आपसे है। मगर शहजादे, खुदा के लिए इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे हम। हाँ, अगर बात करेंगे हम लोग तो अपने आने वाले सुनहरे कल के बारे में। अच्छा, हमने सुना है कि लड़की को अपनी शादी के बारे में बहुत सारे ख्वाब से जाना अच्छा लगता है। आप बताइए, मैं आपने कौन कौन से ख्वाब से जाए? हमारे ऐसे कोई ख्वाब नहीं है साहिब आलम। जिस दिन हम रकासा बने उसी दिन हमने अपने सारे ख्वाब जला दिए। एक रकासा लोगों की दिलजोई कर सकती है मगर घर नहीं बता सकती। आप ख्वाब भी देखेंगी और घर भी बसाएंगी, पूरा हक है आपको। हम देंगे आपको अपनी शरीक हयात का तरसा। आपने अपने इस दिल में जगह दे दी, वही इस कनीज के लिए काफी है। अनारकली, कितनी बार कहा है हमने आपसे, कनीज नहीं है आप, हमारे दिल की मल्लिका हैं आप। बस आप अब दुल्हन बनने की तैयारियां कीजिए। आपको ख्वाब देखने की पूरी इजाजत है होने वाले मल्लिका हिंद। आप बस ख्वाब देखना शुरू कीजिए, उनकी ताबीर होगी। ये सलीम का वादा है आपसे।
कक्ष की हालत ऐसे कैसे हो गई? सब कुछ बिखरा हुआ क्यों है? और हमें भी इतना अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है? अजीब सी चीज अजीब ही लगती है ना। खैर, कल रात शहंशाह के साथ बहुत मजा आया। शहंशाह के साथ वक्त गुजारने का मजा ही कुछ और होता है। हमेशा से जलाल को पाना चाहती थी, लेकिन अब हमेशा उसे पाती रहूंगी। हम तुम्हें बंदी बनवा लेंगे। तू पागल हो गई है क्या? हाँ, गई क्या? मैं एक इंसान नहीं, आत्मा हूं, जिसे ना कैद किया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना आग लगाया जा सकता है, ना डुबाया जा सकता है। कैसे कैद करेगी तू मुझे? हाँ, और अगर मैं किसी को दिखूंगी ही नहीं तो कैसे साबित करेगी तू? और अगर मलिका हिंद की बात किसी ने मान भी ली तो कौन लड़ेगा एक आत्मा के साथ? बेचारा अपनी जान खुद ही गवा देगा वो। होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। जोधा बेगम, आज बड़ी देर से उठी हैं आप। हमें तो लगा कि कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई, हम इंतजार कर रहे थे आप। वैसे कल रात जो आपने तोहफा हमें दिया वो बहुत ही खूबसूरत लगा, तो इस बार भी आपने बाजी मार ली जोधा बेगम। ये कैसे गिर गया? क्या हम अभी दासी को बुलाकर इसे साफ करवा देते हैं? शहंशाह, हमें आपसे कहिए क्या बात है, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप हमसे? हुजूर का इकबाल बुलंद हो, तमाम वजीरान दीवाने खास में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कहो हम अभी आते हैं। जी हुजूर। हम उस सुबह में मुलाकात करते हैं जोधा बेगम। मजा आ गया। बेचारी जोधा, अपने पति से कुछ कहना चाह रही थी ना, नहीं कह पाई। अब सुन, अगर तूने ये बात किसी से कही ना तो उसकी मौत का जिम्मेदार तू खुद होगी, समझी? नहीं 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 नहीं, किसी और की मौत से तुझे क्या फर्क पड़ेगा? खेल के कायदे को थोड़ा बदल देते हैं। अगर ये बात किसी को पता चली तो मैं तेरे पति को मार डालूंगी, और तू जानती है मैं ऐसा कर सकती हूं। कहे तो नमूना दिखा दूं? नहीं, चाचा को कुछ मत करना, उन्हें कोई कष्ट मत पहुंचाना। मजा आ गया। सच कहूं तो मुझे तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तूने मुझे मार डाला। जो काम मैं जीते जी नहीं कर पाई ना, उसे मैं मरने के बाद कितनी आसानी से कर रही हूं।
हाँ।